आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। की रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ये पंचमुखी रुद्राक्ष दाने छोटे यानी 4 से 15 मिली व्यास के होते हैं, जबकि नेपाली दाने 14 से 30 मिली व्यास के होते हैं। नेपाल में पाली क्षेत्र में प्राप्त दाने सबसे बड़ा माना जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं शिवजी के कालाग्निक रुद्र रूप धारण आशीर्वाद प्राप्त है। इसके धारण करने से कई निश्चित कर्मों के पाप मिट जाते हैं। पंचमुखी पहनना सबके लिए सबको महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे वामदेव शिव का आशीर्वाद है। इसके धारक का आदर दीर्घ काल तक स्वयं देवता भी करते हैं। यह दाना देवगुरु के सदस्य है, क्योंकि इसके नियता बृहस्पति है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा है कि पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निगम अगम्य सचिव तथा चापद्य वश्यम मुच्यते नात्र सदेह पंचवत्रम धारणम। उसे अपूज्य भोजन के काम या दुष्कयोग के पापों को मिटाता है। पंचमुखी दाने पहनने से दुर्घटनात्मक मृत्यु टल जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। शिवजी अपने महादेव रूप में मानव प्राणी को कल्याण करते हैं, तो उनके प्रत्येक चेहरे पर 3 आँखों होती हैं। केवल उत्तराभिमुख चेहरे पर नहीं, उनके दने चटाई और भालचंद्र पर 5वां चेहरा ऊपर और देखता है और आध्यात्मिक प्रगति का सूचक है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय पंचमुखी शिवजी के रूप से उत्पन्न हुआ और प्रणव मंत्र ओम उसका बीज है। अतः पंचमुखी रुद्राक्ष का हर साधना व ध्यान का महत्व है। भगवान शिव के 5 रूप रघुजात, ईशान, तत्वपुरुष, अघोर एवं वामदेव पंचमुखी रुद्राक्ष में निवास करते हैं। रुद्राक्ष को रुद्र कालाग्नि भी कहते हैं। आमतौर जब रुद्राक्ष को संयोग करते हैं तब पंचमुखी रुद्राक्ष अवश्य होता है। अधिकतर मालाएं पंचमुखी रुद्राक्ष की ही होती है, परंतु हमें इस मत से सहमत नहीं है कि पंचमुखी रुद्राक्ष यश और मनोशांति देता है। जहाँ तक औषधीय का गुण प्रश्न है, तो वह रक्तचाप मधुमेह नियंत्रण रखने के लिए काफ़ी प्रचलन है। यह कर्ण जन एवं मूत्रपिंड रोगों में भी काम आता है। यह भारत में कई घरों में जलोपाज के लिए 3 कच्चे दाने रात में यथासंभव तांबे के बर्तन पानी में सुखाता है और सुखाने की अधिक कम से कम 12 घंटे होनी चाहिए। दाने रोज पानी में निकालने चाहिए, 1-2 घंटा सुखाने चाहिए और फिर दोबारा इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसके बाद अनुभव से पता चलता है कि यह प्रभाव वर्ष 1 तक बना रहता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष कौन धारण करिए? तो इन दानों को कोई भी व्यक्ति विशिष्ट संख्या में पहुंच सकता है, जो रुद्राक्ष को प्रभावशाली का अनुभव करना चाहते हैं। ऐसे रुद्राक्ष को माला धारण करने से जिसमें दानों का अंदर 10.10 मिली व्यास की होती है और उसकी कीमत कम होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष सच्चे होते हैं, क्योंकि विपुलता से मिलते हैं। माला के दानों की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सब मालाओं में आखिर का एक दाना सुमेरु का होता है, जो जप माला में पिरोया जाता है और गिनती की पूर्णता दर्शाता है। इसे पहनने की माला में भी पूर्णते है। कुछ लोग दाना पहनने की सलाह देती हैं, क्योंकि उसे 27 का भाग जाता है अथवा माला
को अधिक विषम संख्या की दानों की माला पहनने ना जा सकते। यदि आपके पास संग्रह या उपहार द्वारा पंचमुखी दाने अधिक जमा हो गए हों, सर्वोत्तम दाना चुनकर रखें और बाकी टूटे फूटे दाने जलाशय या नदी में विसर्जित कर दें। एक कंठा बनाइए जिसमें 27 से 32 दाने हो, इसे ऊन या चांदी की किसी धातु में पिरोए और पहनना चालू कर दें। इसे उपहार में दे सकते हैं, मंदिर में चढ़ा देकर बनते हैं, शिव जी को पहना जाए, देवी देवता को फोटो भी चढ़ा सकते हैं। बेहतर है कि दानों को किसी किन किसी उपयोग में लाए जाते हैं, सूखे और नष्ट न हो जाए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष जपने का मंत्र क्या है? तो ओम श्री नमः, ओम हूँ नमः, ओम ही हूँ नमः, ओम महामृत्युंजय मंत्र हो, ओम नमः शिवाय, समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।